उसकी शुरू ये हमारा फर्स्ट टाइम है। हमने बिल्ली का सोचा कि और दोनों खाके चेक करते कैसी है, और मेरे पीछे कलेजी वाले भी है और इनसे भी लेते कलेजी एक बाइट बनाते हैं। टमाटर डाला थोड़ा सा, ये नींबू लेमन बना रहे भाई, हमने बोल दिया तो कोई स्पेशल बनाओ। अभी भाई इस ब्लॉग में मैं एक बड़े ब्लॉगर से मिला हूँ, काफी अच्छे बंदे और काफी नाइस बंदे, उनके ब्लॉग में बड़े शौक से देखता हूँ। तो ये पहले मेरा ब्लॉग पूरा आप देखें, इनके बाद मैं एंड में बताऊंगा मुझे कौन मिला। Assalamualaikum, welcome back to the channel। कैसे आप लोग, उम्मीद होगी बड़े अच्छे होंगे। तो भाई आज है रमजान का दूसरा रोजा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। तो भाई मैं आपको दिखाने आया हूँ यहाँ पर, ये पान मंडी का इलाका है, यहाँ पर बनेगा लाइट हाउस और हम लोग सेंटर में खड़े हुए, यहाँ है पीछे पान मंडी। तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे होंगे रश लगा होगा भरपूर, ये है हाजी हाजी सलाउद्दीन का एक भी पुलाव होता है, इसको हलीम बिरयानी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा दलीम बिरयानी, यानी सलाउद्दीन का भी हलीम बिरयानी। तो भाई इनकी हलीम में इतना रश है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इनका जायका वैसे ही है पहले जैसा नहीं या फिर वही पहन ले। तो अभी चेक करते हैं इनकी हलीम बिरयानी खा के, और यहाँ काफी सारी चीजें भी है, हलवा पूरी है और बन कबाब है, कलेजी भी है, तो कलेजी भी ट्राई करेंगे हम लोग। और सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, इनका टेस्ट करते कैसा है खाना, अच्छा भी है कि नहीं, इतना रश लगा हुआ है। और जो रोल पॉइंट है बुलंद रोल पॉइंट, उन्होंने भी ये लगाया है हलीम बिरयानी, तो अभी चेक करते हैं फिर आपको बताते। तो लेट्स गो। तो भाई ये मैंने दो प्लेट्स लिए, एक है प्लेन मिक्स है सादी जो है वो 200 रुपए की है, और जो बीफ के साथ है वो 150 रुपए की। तो क्या किया इसमें? अच्छा बिरयानी प्लेट 220 की है और प्लेट मिक्स है 150 वाली जिसमें सादी होगी। आ जाओ भाई। अभी देख खुली है, गरम गरम बिरयानी आ रही है, अभी इसको खाएंगे तो पता चलेगा कैसी है। तो भाई अभी हमारी प्लेट बनने लगी है और अभी जब आई है हाथ में तो पता चलेगा कैसी है। मेरी बर्ची थी ना दो दिन। तो भाई हमने ये हलीम और हलीम बिरयानी दोनों लिए और ये सिर्फ बिरयानी ली है, तो अभी दोनों ट्राई करते हैं और दोनों खा के चेक करते कैसी है। और मेरे पीछे कलेजी वाले भी है और इनसे भी लेते कलेजी, इनकी टेस्ट करते कैसी है। आ जाओ। इस टाइम हम लोग आ गए कलेजी वाले के पास और इनकी कलेजी दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है और अभी इसको टेस्ट करते कैसी है। हमारे लिए अभी स्पेशल बनाई है, इसका शफे का आपको चेक करा। دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن अभी हमने सोसो वाली तीन प्लेटें बनवा ली है, काफी दिखने में अच्छी लग रही है। इसको ट्राई करेंगे तो कैसी लगेगी आपको वो भी बताऊंगा मैं। इनका नाम जो है ना वो है सिकंदर कलेजी हाउस, यही नाम है। नाम क्या है? सिकंदरी कलेजी इनका नाम। और सोसो वाली तीन प्लेटें मैंने बनवा ली है, ये भाई दे रहे हैं हमारे। तो भाई हलीम बिरयानी आ गई है, और हलीम बिरयानी मुझे इतना नहीं पसंद, खाली इसका पुलाव पसंद है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओए 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 बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी है। अभी ये खाली पुलाव है, और अभी ये अभी इसमें बोटियां डलवाई थी, वो शादी थी, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था हलीम का, हलीम के साथ। और ये शादी है, गोश्त बड़ा अच्छा था, वीडियो में आपने देखा होगा गोश्त बड़ा टाइट था इसका। ये गोश्त तोड़ते देखा, एक भी बिल्कुल मुलायम हुआ है, टेंडर गोश्त हुआ बिल्कुल। एक बाइट मारते हैं इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्वांटिटी बड़ी अच्छी दी हुई है, हलीम से ज्यादा मुझे ये पुलाव ज्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा जबरदस्त पुलाव है, ज्यादा मिर्ची भी नहीं है और ज्यादा फीका भी नहीं है, बड़े मजे का पुलाव है। और ये मेरे पास आई कलेजी, और कलेजी है ये बीफ कलेजी है, और इसमें टमाटर डाले हुए, नींबू है। एक बाइट मारते ये बन आ गए, ठीक है, और दिखने में अच्छी लग रही है भाई। बिस्मिल्लाह एक बाइट बनाते हैं, टमाटर डाला थोड़ा सा, ये नींबू। ओए 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 यार, टमाटर तो अपनी जगह, लेकिन इसका जो कलेजी है ना उसका जायका बड़ा अच्छा है। शैला की याद आ रही भाई, हमारी गली में शैला लगाता था कलेजी। हाँ भाई याद है शैला, वैसी कलेजी है, बाकी में टेस्ट बहुत अच्छा है कलेजी का। ये बहुत कम लोगों की मेरे को कलेजी अच्छी लगती है, और सिकंदरिया ना नया सेटअप है इनका, लेकिन कलेजी बड़ी अच्छी है, रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों को भाई, एक दफा जरूर खाए, और नींबू के साथ खाए, बड़ा मजा आएगा। बहुत जबरदस्त कलेजी, बहुत जबरदस्त। मोहसिन भाई कलेजी अच्छी लगी है, बिरयानी कलेजी अच्छी है, कलेजी अच्छी लगी, बाकी में कलेजी बहुत अच्छी, बिरयानी भी कैसी लगी? ये आपने खाई है पहले कभी? फर्स्ट टाइम खाई है, कैसी लगी? गुजारा है लेकिन ये गुजारा क्यों होता है। हारिस भाई आपको कैसे लगा? मेरा पहला बाइट है, पहला बाइट है ये। अरे हारिस भाई पहला बाइट मार रहे, हारिस सही सही बताओ बिल्कुल। जी अच्छी है, मसाला भी अच्छा है, मसाला वाकई में बहुत अच्छा है। टमाटर की बात नहीं कर रहा मैं, इसके कलेजी का जो मसाला ना वो बड़ा अच्छा है, कलेजी का ही मसाला बड़ा। बिरयानी तो आप हम खाते ही रहते हैं। तो भाई ये जो कलेजी वाला ना भाई का दोस्त है, ये सारे भाई के दोस्त ही मिलते हैं हमें। कलेजी कैसी लगी भाई? कलेजी अच्छी है यार, जबरदस्त है, मिर्चे बहुत है। तो यही स्पाइसी बोला है तो बनाएगा ना स्पाइसी वो।
मजा आ रहा नहीं यार कलेजी में। बिरयानी बिरयानी तो खाते रहते हैं इसकी, बिरयानी का लेवल ही अलग है। तो अभी इसको खत्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह खाया कलेजी, बड़ी मजे की थी। दिखने में इनका स्टॉल अभी नया सेटअप है, लाइटें वाइटें लगाई गई, अभी काफी अच्छी इनकी कलेजी थी। मुझे काफी मसाला इनका कलेजी का अच्छा लगा। तो अभी मैं फैजान भाई से मिला था जिनका ये स्टॉल है, काफी अच्छा स्टॉल है। फैजान भाई, फैजान तो भाई इधर आओ, इधर आओ, देखो तो सही। तो भाई ये फैजान भाई है, इनका स्टॉल है यहाँ पर, काफी जबरदस्त कलेजी थी भाई, हमें बड़ी पसंद आई। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कैसे शुरू किया, मतलब क्या सोच के शुरू किया? ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हमने पहली दफा सोचा कि नहीं यार, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बना रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। नहीं में मैं मुझे देखा जाए तो मुझे नहीं लगा फर्स्ट टाइम बनी हुई कले थी। शेला की कले थी याद है आपको? याद है, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है कले थी यार। इंशाल्लाह आगे भी मजा आएगा और भी आपको। तो बस ये लाइट का सेटअप लगा लो भाई, अभी नया नया तो सिर्फ ऐसे लाइट अभी लगा रहे लोग। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पर आए और ये कलेजी लाजमी ट्राई करें भाई, बड़ा मजा आया। तो भाई थैंक यू सो मच। कलेजी खा ली, बड़ी मिर्ची लग रही है, अभी सामने बड़ा जबरदस्त स्टॉल लगा हुआ है सोडे का, अभी वो ट्राई करते हैं। आओ, ओल्ड सिटी फेमस सोडा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कैसे यार, कोई स्पेशल बनाओ, क्या आपका स्पेशल है मतलब पीने के लिए सोडा? तुम्हें कौन से बना रहे हो आप? लेमन। लेमन तो भाई लेमन बना रहे भाई, हमने बोल दिया तो कोई स्पेशल बनाओ, अभी बना रहे लेमन, चार कर देना यार, सही ना? सोडा आ चुका मेरे पास, जबरदस्त यार। बहुत जबरदस्त यार, मसाले भी अच्छे है, फ्लेवर भी अच्छा है। तो भाई सोडा खत्म हो गया और अभी हम लोग जाने की तैयारी, अभी सैरी करेंगे घर जाके। ये तो बस ऐसी सुगल मेला था और इंशाल्लाह भी जाके सैरी करेंगे और आपसे आगे भी व्लॉग्स में मिलेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करें और इनकी कलेजी लाजमी खाएं, बड़ी अच्छी कलेजी होती है, मसाला भी अच्छा था और बीफ कलेजी थी, मुझे बड़ी पसंद आई। और इनका हाजी सलाउद्दीन का पुलाव तो आपको पता ही होगा, अच्छा ही होता है। तो भाई दोनों चीजें बड़ी मजे की थी और सोडा भी अच्छा था। तो भाई हम लोग वापसी आ रहे थे तो हमें मिले एक शख्स जिनका व्लॉग्स में बड़े शौक से देखता हूँ, और दो तीन बंदे, एक मलिक फरीद है, एक आरएचएस हमजा राना, और एक जिससे मैं आज मिला हूँ, काफी अच्छी शख्सियत थे और काफी अच्छे से मिले हमसे। इनका नाम है जिया तबारक, यहाँ पर पिक्चर्स आ रही होगी, हमने उनके साथ पिक्चर्स भी लिए, काफी अच्छे ब्लॉग्स होते हैं उनके, काफी अच्छे बंदे थे भाई। हमने उनसे पूछा कि वो खिदमत करे तो उन्होंने मना किया, वरना वीडियो नहीं बनाए हमने, क्योंकि अक्सर लोगों को बुरा लग जाता है कि हम पूछेंगे आपके साथ व्लॉग बना ले तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने व्लॉग नहीं बनाया उनके साथ, हमने सिर्फ बातें की उनके साथ और काफी अच्छे बंदे थे। तो बस यही सीन हुआ, तो बड़ा मजा आया मुझे मिलके उनसे, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक दफा मिलूँ एक आरएचएस से, हमजा राना, उनसे तो बड़ी ख्वाहिश है, उनको देख के तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, उनसे ही बड़ी मिलने की ख्वाहिश है मेरी, कहीं भी मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।